आज हम ब्लॉग का मतलब ही खत्म करते हैं कि होता क्या है ब्लॉग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ब्लॉग एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्या होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं ब्लॉग में सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, एवरीथिंग। मजा आएगा ना भिड़ो। खाना बनाना या फूड ब्लॉगर व्लॉगर, मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है फूड ब्लॉगर ट्रेवल ब्लॉगर। तो मैं बनाने वाला हूँ आज क्या, कटहल। एक तो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यार, एडिटर के साथ में या फिर कंप्यूटर पर जो बैठ के काम कर रहा हूँ उसका कोई टाइमिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की। अभी टाइम हुआ है 11 बजे हुए, सुबह जिम गया था, जिम से आया, जिम से आने के बाद में थोड़ा खाया पिया कुछ, नहाने की कोशिश करी, नहा नहीं पाया, अभी नहाऊंगा बाद में, क्योंकि मुझे लग रहा है खाना बनाने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, तो मैं पहले खाना ही बना रहा हूँ। पर अगर सबसे ज़रूरी बात करूँ मैं तो कटहल मैंने कल लिया था, और ये जिससे काला ना पड़े इसके साथ मैंने कुछ ऐसा कांड कराया था, कांड लग गया था ठंड फ्रीज में, बट फिर भी हो गया। ये सब्जी वाला बोल रहा था कि नहीं होगा, नींबू लगाने के बाद में अगर काटते हैं, रात लिया था मैंने, हल्का हल्का लाल पड़ गया, तो ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ अपना, यानी कि 300 से ज़्यादा वीडियो हो चुका है बट उतना मुझे क्या बोलते हैं क्या नहीं मिला, मतलब उतनी मुझे उन्नति नहीं मिली। मैं हिंदी का शब्द ही ढूंढ रहा था, जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। 300 ज़्यादा वीडियो हो चुकी। ट्रेवल वीडियो मैं ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि मैं बाहर घूमता रहता हूँ शूट के लिए, और आज मैं कटहल बनाऊँगा। और जो मुझे अच्छा लगता है जैसे गाना गाना, खाना बनाना, वो मैं करता हूँ। आप मेरे कपिल कुमार इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके देख सकते हो। गाना गाना मतलब खुद नहीं गा रहा हूँ भाई, गाना कोई और गा रहा है, बस मैं कोशिश करता हूँ लिपसिंग मैच करने की। चलो फालतू बात नहीं करते, वो लोग बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे पहले हम कटहल को छोटा छोटा हिस्सों में काट लेते हैं, उसके बाद प्याज काटते हैं। अगर कटहल मार्केट से लेके आ रहे हो तो सब्जी वाले भाई से बोलो भाई प्लीज़ छील के दे दे, अगर छील के नहीं दे रहे हैं तो फिर आप जाइए उस बात को। तो मैं तो छील के लेके आया हूँ, उसने छील के दिया है मुझे, अच्छे से छील दिया, बस कटिंग नहीं किया, पीस पीस में मैं काट दूँगा अभी इसको। अगर आपने छीलना है खुद तो आप इसको सरसों का तेल हाथ पे लगा लो, थोड़ा नाइफ पे लगा लो, इसमें जो हल्का सा रेसे निकलता है ना, राल टाइप निकलता है, तो वो नहीं निकलेगा। तो फिलहाल मैं काट लेता हूँ। तो भैया ये तो छोटे छोटे हिस्सों में मैंने काट लिया, थोड़े थोड़े बड़े भी हैं, और मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे, और उस पर चढ़ा देता हूँ थोड़ा सा तेल। भैया तेल मारने लगा है उबाले, यानी कि बहुत तेज वो हो गया तेल ना, इसमें छोड़ देता है कटहल को। मानता हूँ बहुत ऑयली हो जाएगा बट फिलहाल टेस्ट की बात चल रही है, हेल्थ की नहीं चल रही है। जब तक भाई साहब तेल में फ्राई हो रहे हैं तब तक इनके लिए हम छोटी छोटी सी प्याज काट लेते हैं। प्याज ऐसे ही काटनी है इसी शेप में, तभी मजा आएगा। तभी जब तक ये तेल में खुदकुशी की इसने, तब तक इसने ये भी अपनी जान दे बैठा। इनके टमाटर प्याज और ये सब कुछ रेडी है, और इसमें ऑयल हो रहा है अब ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ मैं। तो भाई ये कुछ पीस इसमें पड़े हुए कटहल के ही है, तो इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा मेरी फेवरेट चीज़ धनिया। ये मैं हर सब्ज़ी में डालता हूँ भाई, ख़राब लगे अच्छा लगे मुझे नहीं पता, पर मैं ये डालता हूँ। इसके तुरंत बाद जीरा, वैसे तो इस पैकेट के अंदर पड़े रहते हैं ये, वैसे इनको बोलते हैं खड़े मसाले, आप चाहो तो हींग वगैरह डाल सकते हो। भाई मेरे पास हींग भी ख़त्म है और अदरक लहसुन भी ख़त्म हो रहा है, मैं प्याज बता रहा हूँ इसके अंदर। और भाई जब अच्छे से ब्राउन हो जाए ना प्याज, तो इसके अंदर ये खुदकुशी करे हुए टमाटर। ओहो चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, दे रहा हूँ तुम्हें नमक भी, और इसके तुरंत बाद नमक। नमक क्या करता है टमाटर को जल्दी गला देता है, और ये तेल फोड़ने को मजबूर हो जाता है। तो नमक में टेंडा नमक यूज करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए, जब तक टमाटर गल जाए एक या दो मिनट के लिए, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तो भाई तेल छोड़ने लगा है हल्का हल्का टमाटर, और आपके बम में दम है तो आप लाल मिर्च खा सकते हो, मैं हरी खाता हूँ। भैया थोड़ी इसको क्या बोलते हैं गैस को स्लो करो, सिम बोलते हैं सिम करो, और इसमें मसाले की कुर्बानी दे दो। यह गरम मसाला, और भाई अगर आपने ज़्यादा अच्छा खाना है तो ज़्यादा मसाला डाल लो, और थोड़ा सा शरीर का ध्यान रख के खाना है तो मसाले कम डालो तो अच्छा है।
ये मैं बहुत कम डालता हूँ, हरी ज़्यादा खाता हूँ मैं। हरा धनिया लाना पड़ेगा, आई मीन निकालना पड़ेगा। ये क्या कोरिएंडर पाउडर, यही है हरा धनिया डाल दिया, अभी हल्दी गरम मसाला गया, हल्दी गई, सब कुछ गया। ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालता, अब इसमें थोड़ा सा और डालता हूँ। चलाओ आज को गैस को कम इसलिए किया था भाई ताकि मसाले जले ना, मुझे लगता है कि मसाले फूकने लग गए ज़्यादा तेज़। और हल्का सा पानी डाल लेते हैं इसमें, पानी भाई फ्रिज में रख के भूल गया था तो पानी नहीं डाला इसमें, इतना बर्फ़ है और मुझे इतना ही चाहिए पानी थोड़ा ही। डबल उठा उठा के बोतल निकल भाई बच गई जा। ओके अभी गैस को थोड़ा तेज कर सकते हैं क्योंकि पानी चला गया है, और इसको अच्छे से गलने देंगे दबा के। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में कंची करछी, और एक हाथ में फिर दोबारा पानी की बोतल आ गई, थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। मसालों को थोड़ा पकने देते हैं। देखो भाई जी आपका जो आइटम पड़ा हुआ है, मसाले पड़े हुए, कैसे तेल छोड़ रहे हैं, तो ऐसे तेल छोड़ने चाहिए, इसमें मज़ा आता है फिर इसको। जब इसके अंदर ना कटहल लटपट होएगा ना लोटे का, तो थोड़ा जल रहा है इसको, तो आँच कम करते हैं, थोड़ा पानी और पचा देते हैं इसके अंदर। तो अगर आपने थोड़ी गली भी टाइप रखनी है, लटपटा रखना है, तो पानी ज़्यादा डाल लेना, और सूखा सूखा रखना तो पानी कम ही रखना। थोड़ा टेस्ट अच्छा बनाना है भाई। तो भैया जी इसको इसमें पहुँचाने के बाद में ना ऊपर से आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो भाई ये अच्छे से लोट पोट हो जाएंगे इसके अंदर। भाई गिरने के मूड में क्या आज पूरा पूरा? एक तो मैं मोबाइल के अंदर देख रहा हूँ ना, कढ़ाई का नहीं देख रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है देखो क्या हो रहा है, ये उससे क्या हो रहा है कि भाई बैलेंस बिगड़ जा रहा है। तो मैं अच्छे से चला के ताकि अच्छे से मसाले के अंदर फिट हो जाए, इसको ढक के गैस थोड़ा कम करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ऐसे ही। बीच बीच में एक दो बार चला के देख लेना, ऐसे लगेगा नहीं कम आँच पे है। और चलाना इसलिए है ताकि नीचे वाला तो पक ही रहा है, ऊपर का भी थोड़ा सा मेल्ट होके भैया भैया जी भी रेडी हो चुके बनने के लिए, और वो भी तैयार है बिल्कुल। गोल है क्या ये करना, मैंने अपनी मम्मी से सीखा, मेरी मम्मी ने ऐसा सीखा। तो भैया जी रोटी तो बन जाएगी, बनती रहेगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी यार, आपकी नज़र में स्ट्रगल की परिभाषा क्या है, मतलब स्ट्रगल कहाँ ख़त्म हो जाता है, मतलब कितना लोग अचीव करने के बाद में लगता है कि हाँ अब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर क्या मिल जाने के बाद, कितना पैसा मिल जाने के बाद स्ट्रगल की नहीं होती, ये बताना कमेंट करके। मेरा मानना यह है कि स्ट्रगल लाइफ टाइम चलता ही रहता है पूरी ज़िंदगी, आपके पास शायद कुछ भी हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और ये रोटी नहीं फूली, उसका कारण मुझे भी नहीं पता, वीडियो के अंदर फूलना था ना भाई, वैसे तो फूलती रहती है। तो बना लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो भैया जी वैसे तो भैया जी देसी तरीके से खाना बन गया, कटहल भी तैयार है बिल्कुल, देखने में बहुत अच्छी लग रही, बिल्कुल रसेदार हो रखी है, रोटी भी तैयार है, और थोड़ी दही ले ली मैंने, खीरा ले लिया, और सामने भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
ये जो चलता है भाई मेरे, ये चलेगा तभी। इन्होंने ऐड ना परेशान कर रखा भाई, चलो ऐड चलने दो। तब तक मैं आपको एक बाइट लेके बता देता हूँ कि क्या मज़ा आ रहा है इसमें। मैंने प्याज को छोटा छोटा इसलिए काटा था भाई, जब वो कटहल के साथ में प्याज का रेसे आएंगे ना, मजा आ गया भाई। सबको ऐसा लगता है अच्छा बनना है, बढ़िया बनना है, पर मैं तो कहूँगा अच्छा बनना है, क्योंकि अच्छा बनना है। चलो तो भैया जी, आज की कहानी यही है। अभी कंप्यूटर कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, खोलता हूँ सिस्टम खाना खाने के बाद में काम शुरू करता हूँ। और टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं। कुछ भी अगर वो लोगों में अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। जयपुर वाली वीडियो कैसी लगी अभी बता देना भाई।